नमस्कार, मैं राजीव देसवाल। सबसे पहले तो 41 श्रमिक जो उत्तराखंड में एक टनल हादसे में गिर गए थे, उनके आज़ाद होने की बधाई, उनको रेस्क्यू करने की बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार वालों को, देश को, समाज को, कौम को, हम सबको बधाई। लेकिन इससे बहुत से प्रश्न उभरते हैं, एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, तैयारी को लेके। एक कहावत है कि मर्फीज लॉ सेज एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, इट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। सो व्हाट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इज द डिजास्टर सिनेरियो और द रॉन्ग गोइंग सिनेरियो। ये एक सबक लेने की चीज़ है। इसमें भूमिका जो है वो आम समाज की भी है, मीडिया की भी है, हम सभी लोगों की है। मुझे मालूम है इस हादसे पे बहुत सी फिल्में भी बनेंगी, क्योंकि इस तरह का एक रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही दुनिया में शायद कहीं इस तरह से इतना लंबा, इतने लोगों को इन्वॉल्व हों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें सोच विचार करने की ज़रूरत है, प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। जो सरिया मलबा जो इस्तेमाल किया गया, जिसके पड़ने की गिरने की आशंका थी, उसके बारे में जानकारी लेना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बीच में जो है वो इनकॉर्पोरेट करना, उनकी राय को, और जो भी विज्ञान की तकनीक के हिसाब से रेस्क्यू को दिमाग में रखते हुए पहले ही तैयारी होनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी सोच विचार करने की ज़रूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और मैं बधाई देता हूँ उन सभी लोगों को, इंजीनियर्स को, चाहे वो देशी थे चाहे विदेशी थे, और सरकार को भी, और सबसे ज़्यादा उन मजदूरों को, उनके परिवार वालों को। आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद।